परमिशन मैंने दे दी है आप लोगों को, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है वो होता है नंबर्स पे अपने हिसाब से यूज करने के लिए, क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो यहाँ नंबर फॉर्मेट के अंदर में कुछ नंबर की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि जनरल जैसा दिख रहा है वैसा लिखेगा। नंबर, नंबर में यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेज और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो कैसा दिखना चाहिए, थाउजेंड सेपरेटर क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, उस तरह से आपका नंबर शो करेगा। सेम अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पे करेंसी के सैम्बल और करेंसी की कोड यूज कर सकते हैं। करेंसी कोड बाय करेंसी कोड जो है ज्यादातर आपके स्टेटमेंट में इंटरनेशनल बैंक के स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, इंटरनेशनल बैंक की होगी क्योंकि इंटरनेशनल बैंक जो है कई सारे कंट्रीज में फॉलो करती है, इसलिए हो यहाँ पे INR का यूज करती है इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आपके सामने नंबर्स की इसमें काउंटिंग, तो अकाउंटिंग भी करेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं अकाउंटिंग का यूज एक काम के लिए करता था। किस तरह काम के लिए, तो मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ और इस रैन बिटवीन के फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दिया ड्रैग। अब इसमें कहीं कहीं पे मैंने जीरो लगा दिया, नंबर्स रैन बिटवीन दे दिया हमें, और इस जीरो को मुझे कुछ थोड़ा सा अलग दिखाना, तो बोलेंगे सर हाईलाइट कर देते, लेकिन हाईलाइट तो ठीक है लेकिन प्रिंट आउट में हाईलाइट इतना वर्क नहीं करेगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और अकाउंटिंग में मैं यहां पे नन कर देता हूं। क्या करता हूं, नन। नन करने के बाद जैसे ओके करूंगा आप देख पे से हटा देता हूं, यहां पे जीरो कर देता हूं, ये देखिए आ गया। समझे, इस तरह के हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेट की, तो यहां पे डेट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं वो यूज कर सकते हैं। सेम टाइम की बात करें तो टाइम भी यहां पे वही सेम वर्क करता है, लेकिन अगर टाइम मैंने लिखा 45 घंटे 20 मिनट और कुछ सेकेंड, तो आप देखेंगे कि अगर गलती से इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट हो जाता है तो ये डेसिमल में हो जाता है। जब इसको टाइम में जाते हैं तो यहाँ पे जो टाइम दी गई है अगर हमने इस टाइम का यूज किया तो आप देखें ऊपर 21 घंटा दिख रहा है, मतलब कि 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम ये शो ही नहीं करेगा। समझ गए, उस केस में सबसे पहले तो कंट्री आप इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट करें और यूएसए में एक और कोड आता है 373055, इसको इस्तेमाल करें, ये आपके सामने 25 दिख जाए। उसके बाद ये आपका परसेंटेज, नॉर्मल परसेंटेज होता है। फ्रैक्शंस की बात करें, जैसे मैं 2.5 कर दिया और यहां पे हम गए और फ्रैक्शंस में यहाँ पे 1/2 करके ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है। ठीक है, साइंटिफिक नॉर्मल टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है, तो चेक नंबर के लिए क्या होता है कि 00 डालते हैं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम लोग सिंगल कोट लगाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं, तो देखिए आपके सामने 00 1 2 3 4 हो गया। लेकिन पूरे कॉलम में मुझे अगर चेक नंबर देने हैं तो हर बार सिंगल कोट लगा के टाइप करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं कस्टम फॉर्मेट, नहीं कस्टम नहीं सर, टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद ओके करें, अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो ऑटोमेटिक वो सिंगल कोट के साथ हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम का या किसी का, तो फॉर्मूला लग तो जाएगा पर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला नंबर वाले सेल में परफॉर्म करता है ना कि टेक्स्ट वाले सेल में, ठीक है। अब यहां पे ए हो गई। अब मान लीजिए चेक नंबर आप टाइप कर रहे हो तब इसका यूज कर लोगे, लेकिन किसी ने चेक नंबर भेज दिया है कुछ इस तरह से, तब क्या करेगा? अब मुझे इसको प्रिंट आउट करना है, लगाना है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रिंट आउट करने की जरूरत पड़ती है? तो ये क्या होता है ना, आपको बैंक में चेक जमा करते हैं तो आपके पास एक या दो या तीन चेक होते हैं या पांच चेक होते हैं या दस चेक होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो बैंक ने जो चेक के ऊपर स्लिप होता है ना सर, एक लगाना पड़ता है ना स्लिप, जो चेक के डिटेल्स और बाकी चीज लिखनी पड़ती है, क्या वो स्टेपल करके दे देते हैं। लेकिन जो कलेक्शन कंपनियां हैं, जो कि कलेक्शन करती है, जो सेल्स कंपनियां हैं, उनके पास एक एक दिन में 10,000 15,000 इस तरह के चेक आते हैं। अब 10,000, अब सोच लीजिए कि 10,000 15,000 चेक्स को अगर उसको क्या करना पड़ा, उसका फॉर्म भरना पड़ा, तो कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं सर गौरव जी? तो कंपनियां क्या करती है कि सारी डिटेल्स को एक पेज पे प्रिंट आउट करती है और उसके साथ उसको कर दे, ताकि उसको रिसीविंग मिल जाता है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में हमें पूरा जीरो मेंटेन करना पड़ता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं। अब कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 होता है, सिक्स था, सिक्स जीरो हमने डाल के एंटर किया, तो देखिए इसने आगे जीरो लगा दिया सर। उसी तरह से अगर मैंने मोबाइल नंबर मुझे लिखना है और मोबाइल नंबर में +91 लगा के लिखता हूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके पीछे रीजन, दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्लस से या इक्वल से हम फॉर्मूला शुरू करते हैं, इसे प्लस सम लिखेंगे या इक्वल सम लिखते हैं, तो प्लस लगाते हुए समझ में आता है कि फॉर्मूला है। ओके करने के बाद फिर भी नंबर सही नहीं दिखता है, क्योंकि आपका नंबर अगर 11 डिजिट का है तो दिख जाएगा, 12 डिजिट होते हुए नहीं दिखेगा। तो मैं नंबर टाइप किया करना चाहता हूं या ऑलरेडी हमारा टाइप किया हुआ है, मैं चाहता हूं ये +91 ऑटोमेटिकली लग जाए टाइप क्यू नंबर पे या टाइप करूं तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं +91 लगा के, फिर 1, 2, 3, 4 हालांकि वो 10 जीरो देने की जरूरत नहीं, आप एक भी जीरो या हैश दे दें तो आपका यहां से दिख जाए, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास मीटिंग आईडी है, मीटिंग आईडी हमने यहां लिया, कस्टम में गए और हमें हर तीन डिजिट के बाद चाहिए, तो हैश हैश या जीरो जीरो, हैश डैश वापस हैश फिर डैश और फिर हैश हैश, एंटर कीजिए। अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर तीन डिजिट के बाद हैश ऑटोमेटिक लग गया। आप लोगों को समझ में आ रही है ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना है? नहीं सर, समझ में आ रहा। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास अकाउंट नंबर है, क्या है अकाउंट नंबर, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि हम 11 डिजिट के बाद लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, 13 डिजिट का लिख दिया तो इस तरह का दिख रहा है, पर एक्चुअल नंबर दिखने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल कस्टम पे जाके एक हैश या जीरो डाल के ओके कीजिए, आपका नंबर विजुअल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर आप विजुअल करेंगे तो आपका 15 डिजिट तक का नंबर विजुअल होगा, 16वां डिजिट डालते ही जीरो हो जाएगा।
अब 16 के बाद में नंबर डाल दिया कुछ, देखिए सारे जीरो हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल के अंदर में आप जो है कैलकुलेशंस के लिए 15 डिजिट से ज्यादा का नंबर नहीं रख सकते। 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन एक्सेप्ट करती है, इससे ऊपर की कैलकुलेशन एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है सर। अब उससे ऊपर के नंबर डालना हो तो सिंगल कोट लगाएं या टेक्स्ट में कर दें और डाल दें। तो कितने नंबर डाल सकते हैं? 32,767 नंबर आप टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंदर टेक्स्ट में, चाहे नंबर हो या करेक्टर, बट नंबर फॉर्मेट में ओनली फॉर 15 डिजिट। सबको समझ में आ गया? जी जी सर। अब इसमें अगला ऑप्शन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने कहीं पे जीरो दिया है, कहीं पे हैश दिया है कस्टम के अंदर, तो जीरो हैश का क्या फंडा है? देखिए अगर मैं कुछ भी बोलिए कुछ पूछ रहे हैं सुजी, एक एक क्वेश्चन था हमारा छोटा सा। हाँ बोलिए। जैसे ना पीडीएफ पे कई बार ऐसे नंबर होते हैं 007 8 9 10, तो उससे पीडीएफ से हम कॉपी उठा के एक्सेल पे कॉपी करना होता है, नंबर कई सारे ऐसे करने होते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया कि टेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट पहले उसको टेस्ट कर लिया जैसे आपने बताया था, फिर भी पीडीएफ से जब हम इसको कॉपी करते हैं तो वो 00 जो आगे लगे होते हैं वो नहीं लेता है। वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आप जब पेस्ट करते हैं तो पेस्ट पूरा प्रॉपर्टी लेयर करता है, तो आप पेस्ट ना करें, पेस्ट एज ए वैल्यू करें, और पेस्ट एज ए वैल्यू करते समय पेस्ट स्पेशल में वो सिलेक्ट कर ले नॉन फॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। अच्छा, जैसे आपने कोई चीज लिया, इसको कॉपी किया और नॉर्मल टेस्ट करोगे तो जो वर्ड की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी को लेके आता है, ठीक है ना? पीडीएफ की प्रॉपर्टी पे ये था आपका नंबर था और लेके आया। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे टेक्स्ट है ना, अगर मैंने इसको कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट कर दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी। हो गई जावे सर? जो कस्टम प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी थी वही इस पे लग गई, ठीक है, टेक्स्ट गायब हो गया। अब लोग जीरो दिख रहा है, जीरो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जीरो लगाने वाला प्रॉपर्टी था इसलिए। तो अगर टेक्स्ट रहे सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी किया और इस पे पेस्ट पेस्ट स्पेशल और इस पे मैंने अगर वैल्यू कर दिया तो देखिएगा कि ये टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट ही है ना सर? हाँ टेक्स्ट। तो सेम थिंग यही होता है कि जब पीडीएफ से आप डेटा कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ पे देखिएगा यूनिकॉन टेक्स्ट दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर पेस्ट कीजिए। अनफॉर्मेट करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। समझ गए? ठीक है, ठीक। अब जो हम बात करते हैं, हम टॉपिक इतना भटक गया, हम बात करते हैं कि हम जीरो हैश क्यों लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 1500 टाइप किया, मैं चाहता हूँ 1500 के आगे MRP 1500 लिखूं, बट मैनुअली लिखने पे हम इस पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ठीक है? किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूं कि शो तो MRP 1500 हो बट हो एक्चुअल में नंबर। तो कस्टम में गए यहाँ पे और यहां हम जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं MRP, ठीक है, और फिर स्पेस देके हम यहाँ हैश कर देते हैं। ये आपका 1500 आ गया। अब ये देखिए आए, अब यहाँ पे मैं हैश ना करूं तो क्या होगा सर? सिर्फ MRP शो होगा, आपका डेटा शो नहीं होगा। तो डेटा शो करने के लिए आपको यहाँ पे हैश देना होगा या जीरो देना होगा। सिंगल डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 00 देते हो तो फर्क पड़ेगा। कब? जब आप सिंगल डिजिट लिखोगे तो यहाँ पे 05 होगा, क्योंकि जीरो ने अपना डिजिट को मेंटेन किया, क्योंकि हमने 20 लगाया, मतलब कि 2 डिजिट अगर हम 1 डिजिट टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 लगा देगा।
ठीक है समझे। अब इसी में अगर मैं हैश लगा देता हूं तो हैश में कोई ऐसा फर्क नहीं पता चलेगा। समझे सर? जीरो हैश का फंडा समझ में आया? अब चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे 15 रुपए 35 पैसा डाल दिया, 15 रुपए 35 पैसा। अब मैं इसको कस्टम में जाता हूं और यहां पे मैं 0 हैश दे दिया, रुपीज रुपीज डॉट 00 पैसे आ गया, 15 रुपए 35 पैसे। अब इसमें मैंने 0 क्यों दिया? हम डबल हैश भी दे सकते थे, तो डबल हैश देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब हम नॉर्मल लिखेंगे, किसमें? डेसिमल में। अगर मैं यहां पे डबल जीरो कर दूंगा तो डबल जीरो आएगा, अगर सिंगल जीरो कर देता हूं तो क्या होगा? अब इसमें प्रॉब्लम होगा कि मैं 5 रुपए 30 पैसे करूंगा तो 5 दिखेगा, 0.5 नहीं दिखेगा, इसलिए 1 जीरो के बाद हमने 1 हैश लगा दिया, तो इससे क्या होगा? 2 डिजिट होगा तो 0.5 दिख जाएगा। ठीक है सर? आनंद जी, जयवर्धन जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं। अब बात करते हैं 1000 सेप्टर की। मैं यहाँ पे मान लीजिए 25,000 रुपए लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रुपीज इन अमाउंट में ना आके इन 1000 में, तो हम 1 हैश और कॉमा देना है। अब इसके आगे के 1000 कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं तो लगाए और एंटर प्रेस कर दें, आपके सामने देखे अमाउंट क्या आ गया। और मान लीजिए मैं यहाँ पे 50,000 लिखता हूँ आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख लिखता हूँ तो 105 की आएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग चार्ट्स वगैरह में करते हैं, जब हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है, चार्ट्स में सही से दिखता नहीं है या हमें समराइज करके दिखाना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डेटा मेरा मिलियन में हुआ इस तरह से, तो उस केस में हम यूज करते हैं 0.00 एंड डबल कॉमा, तो 1.52 मिलियन। ठीक है, आया समझ में सर आपको? जी जी सर।
इस तरह से मिलियंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते, अब बात करते हैं डेट्स की। जैसे डेट हम लिखते हैं, डेट हम लिखते हैं, तो डेट आज के सिस्टम, देखिए आपको डेट लिखने से पहले अपना सिस्टम डेट चेक करना होगा कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा डेट फॉर्मेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो डेट हमारा है यह DDMMYY। पहले डेट 4/5, ईयर डालने की जरूरत नहीं, ये आपका ईयर डल जाएगा। जो डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे इस डेट फॉर्मेट को यूज नहीं करना होता है, हमें जो डेट फॉर्मेट यूज करना है वो मेरे अपने हिसाब से डिफाइंड है। तो आप यहाँ पे डेट में जाके तो बहुत सारे डेट फॉर्मेट है अलग अलग, चाइना सेलेक्ट हो गया तो अलग अलग कंट्री के आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो खुद के डेट फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा कस्टम में। कस्टम में जो डी होता है, डी फॉर डेट, डे तभी 1, 2, 3, और एम जो होता है मंथ के लिए होता है, और डी जो होता है, वाई जो होता है ईयर के लिए होता है। अब ऊपर में यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर में देखिएगा, मैं डालूंगा यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। जैसे मैंने एक डी डाला तो आपको नंबर दिखा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में। दो बार डी डालूंगा तो आपको दिखेगा 0, 1, 2 के फॉर्मेट में। ओके, और तीन बार डालूंगा तो ये आपका हो जाएगा MMDD, इसके डेट ये आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, जैसे कि होता है ना आपका। जो संडे मंडे ट्यूजडे होता है, ये फुल संडे मंडे ट्यूजडे आपका आएगा। अगर हम तीन बार डालते हैं तो, चार बार डालते हैं तो, फिर डैश मैं वापस इसको DD कर देता हूँ। उसके बाद यहां मैं YY कर सकता हूँ, वापस एम का देख लीजिए। अगर मैं एक बार एम डालता हूं तो ये आपका मंथ आएगा 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में। दो बार डालता हूं तो 0, 5 के फॉर्मेट में आएगा, 3 मई 4 कंप्लीट मई आएगा, और फिर यहाँ पे YY ईयर है। तो ये आपको DDMMYY जो है जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में इसका यूज कर सकते हैं। समझ गए? जी समझ गए। अब यहां पे ओके कीजिए, आपका डेट उसी तरह से आएगा। टाइम की बात करें तो टाइम को भी हम यहां पे लिख सकते हैं, और टाइम का भी एक अपना फॉर्मेट है। हालांकि आपके पास टाइम में बहुत सारे टाइम, स्पेशली टाइम हम चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहां जो है आप कर सकते हो,
एच जो होता है, यहां पे बताते हैं आपको, एच जो होता है आवर के लिए होता है, और यहाँ पे एस जो होता है, यहाँ पे एच होता है आवर के लिए, एम होता है मिनट के लिए, और एस होता है सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे आप ए एम स्लैश पी एम दे सकते हैं, ए एम स्लैश पी एम आ जाए। अब कभी कभी जरूरत पड़ती है कि भी ए एम स्लैश पी एम पी एम जो है वो पहले आना चाहिए टाइम से, तो ए एम स्लैश पी एम को आप कट करके यहाँ पे आप पहले दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने 45 घंटे 20 मिनट का जो बताया था पहले ऊपर, इसके लिए हमने बताया था कि अमेरिकन लैंग्वेज में जाके 30-35 लेना होता है, 37 समथिंग लेना होता है, तो उसके जगह पे आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप सामने दिख पा रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे अपना जो आवर है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे तब आपका 35 दिखेगा। मतलब नॉर्मल अगर रखते हैं तो आपका 24 घंटे का फॉर्मेट दिखेगा, लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे एच को तो फिर आवर पूरा आपको दिखेगा जो आपका टाइम है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया, अब इसमें दूसरा पार्ट आता है कि मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मिनट डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। हो गया सर? बट मिनट में कन्वर्ट है सिर्फ विजुअल के लिए, ओरिजिनल पे नहीं। आप चाहते कि 3720 को मल्टीप्लाई 50 करके रिजल्ट ला दूं, नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लिकेशन जो होगा इस डेसिमल प्लेसेस पे होगा। तो आप चाहते हैं जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो कोड डाल के जो हमें इफेक्ट आता है वो इफेक्ट हमें ओरिजिनल आए ताकि उस पर कैलकुलेशन कर सके, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और इस सेम कोडिंग जो मैंने वहां लगाया है कस्टम फॉर्मेटिंग में वो सेम कोडिंग हम यहाँ लगा के इंटरफेस करेंगे। तो आप देखिए 3720 आ गया, इसमें 2 से प्लस 2 किया तो 22 आ गया, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। समझ गया सर? अब बारी आती है एक आर्टिकल आपको पढ़ने का। देखिए एक आर्टिकल हमारे पास है, हालांकि ये आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट का है, मेरा नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल को आप अगर पढ़ते हैं, इस पर स्लैश क्लिक कर दीजिए तो नीचे तक आ जाएगा पूरा। ये आर्टिकल्स नीचे तक है, इस आर्टिकल को एक बार आप स्टडी कर ले, इसको स्टडी कर लेंगे तो फिर कल हम बात करेंगे आपके साथ एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है? ताकि ठीक है गौरव जी, आनंद जी, जी जी सर, तो आर्टिकल व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो? सर जैसा आपको फिजिबिलिटी लगे, मेल व्हाट्सएप सर मेल कर दीजिए। ठीक है, आपने अपने मेल आईडी को चैट पे भेजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर। और अब जी आपकी मेल आईडी प्लीज चैट पे देंगे। जूम चैट पे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं।